हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, मध्य प्रदेश के अंदर टीचर वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी स्टेट का, जिसमें आपकी फिजिकल एजुकेशन का भी पद है। तो इसकी देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉयड सिलेक्शन बोर्ड MPESB के द्वारा यह आयोजन होगा। तो देखते हैं इसमें आपका इंपॉर्टेंट डिटेल में आपका दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बेइंग 30/1/2023 या आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 13/2/2023 यानी 13 फरवरी तक लास्ट डेट है। पे एग्जाम करने के लिए लास्ट डेट है आपका 13, करेक्शन डेट है आपका 18 फरवरी, एग्जाम डेट है 25 अप्रैल को। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम अवेलेबल हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन फी है जनरल के लिए एंड अदर स्टेट के लिए 660 रुपये, ST SC OBC के लिए 360 रुपये। एंड अब देखते हैं एज लिमिट कितना है इसका। एज लिमिट मैक्सिमम एज आपका 21 ईयर, मिनिमम एज 21 ईयर कम से कम, एंड अधिक से अधिक मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर होना चाहिए। एंड दोस्तों, आपके एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स विद सब्जेक्ट एंड आपका जो ट्रेनिंग किए रहेंगे वो BEd या BBEd, ठीक है। उसके अलावा आपका बैचलर डिग्री विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन आर, या बैचलर डिग्री विद 45% मार्क विद शिक्षा शास्त्र। तो ये सब क्राइटेरिया है के लिए। अब चलते हैं इसके मुख्य चीजों पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका जो परीक्षा है 25 अप्रैल को होगा, मंगलवार को। परीक्षा पाली प्रथम और द्वितीय दो पाली में होगी। प्रथम पाली में आपका अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय 7 से 8 बजे तक और निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक यानी 10 मिनट दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। द्वितीय पाली में आपको दोपहर 12 से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। निर्देश पढ़ने का समय 1:50 से 2 बजे तक यानी 10 मिनट रहेगा। और उत्तर अंकित करने का समय 2 से 4:30 बजे तक होगा यानी 2.5 घंटे। अब चलते हैं इसके वेतन को देख लेते हैं कितना होगा। तो इसमें दोस्तों वेतन होगा, न्यूनतम वेतन आपका होगा 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, यानी कि न्यूनतम यानी मिनिमम बोला है, मैक्सिमम इसके आगे और बढ़ता रहेगा। दोस्तों अच्छा वैकेंसी है और आपको पैसा भी सही दे रहा है। तो इसमें आपका हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितना रहेगा। तो क्वेश्चन आपका 150 अंक रहेंगे, अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिए जाएंगे और सभी प्रश्न MCQs होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे, आप सब जानते हैं। एंड दोस्तों इसमें सिलेबस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपका आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कंपल्सरी है ये, ठीक है, कंपल्सरी है। एंड लैंग्वेज में आपका आएगा हिंदी एंड संस्कृत में से कोई एक आपको चूज करना है, 10 क्वेश्चन आएगा उसका, 10 मार्क्स। एंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड यानी कि आपका शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है उससे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स।
अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। जैसे कि बाल विकास के सिलेबस में आपका जो पेडागॉजी है, इसमें आपको ये देखा जाएगा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र प्रश्न के 11-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशेषताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सीखने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये सब आपका ये सिलेबस है, जिसमें से आपका सिलेबस है बाल विकास, सिलेबस है बाल विकास, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाल विकास में बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यही सब होंगे। और दूसरा ऑप्शन है आपका समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ क्या होती है, एन अधिगम और शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी, एंड बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सभी चीजें रहेंगी आपको। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों कैसे असफल होते हैं, शिक्षा और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम के रणनीतियों, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम एवं सामाजिक संदर्भ, ये सब है आपका पैडागॉजी के अंतर्गत आपका। अब सेकेंड देखेंगे हम जो भाषा से रिलेटेड है, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में आपका लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि भाषाई 10 क्वेश्चन होंगे, भाषाई अवबोध समझ, भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें से 1 गद्यांश एंड नाटक, घटना संबंधी निबंध, कहानी आदि से दूसरा अपठित होगा, और पद के रूप में इस अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तत्कालीन घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो ये सभी तरह के इसमें अपठित भी होगा, और आपके व्याकरण संबंधी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास, छंद, रस, अलंकार और जो साहित्य है, इससे सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपका है रीडिंग कंप्रिहेंशन में 2 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड वोकैबुलरी पूछा जाएगा, जिसमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेज, आइडियम्स, एंड दूसरा में होगा आपका फंक्शनल ग्रामर, जैसे कि आर्टिकल्स हो जाएगा, मॉडल्स हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स हो जाएगा, एडजेक्टिव नाउन हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में, तो आपके फिजिकल एजुकेशन में आपका हो जाएगा शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा की उन्नति, विकास, आयु, लिंग विशेषताएं, मनोशास्त्रीय अंतर, सीखने प्रकार एवं व्यवस्था और सीखने के नियम, सिद्धांत, समाज एवं संस्कृति, सब मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों। एंड तीसरा टॉपिक आपका है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड शरीर क्रिया विज्ञान, ये सभी आपका टॉपिक होंगे। एंड ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल, खेल कोचिंग का परिचय, योग शिक्षा, ठीक है, जो सिलेबस आपके अदर स्टेट के हैं सभी का सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का सेम ही है। योग शिक्षा हो गया, शारीरिक शिक्षा के संगठन में प्रशासन हो गया, ठीक, एंड सुविधाएं और समय सारणी प्रबंधन, प्रतियोगिता संगठन, व्यायाम कार्यक्रम के सिद्धांत, सुरक्षा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन, खेल पोषण और परिचय, एंड खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, स्पोर्ट ट्रेनिंग, जिसके मैं सभी चीजें इसमें से खेल प्रशिक्षण और परिभाषा, महत्व, प्रशिक्षण के घटक, शक्ति, गति, सहन शक्ति, समन्वय, लचीलापन, प्रशिक्षण प्रक्रिया, तत्कालीन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रोग्रामिंग और योजना, ये सभी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पर सभी टॉपिक मिल जाएंगे। 15 टॉपिक है आपका खेल चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा में पुनर्वास, ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और डोपिंग, ये भी सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं मेरे चैनल पर।
एंड आपका इसमें जेसीआर परीक्षण, अमेरिकी सेना स्वास्थ्य परीक्षण, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी सभी के बारे में बताया गया है। एंड इसमें आपका आ जाएगा खेल चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य परीक्षण में ये हो गया, खेल कौशल परीक्षण, जॉनसन बास्केटबॉल टीम, मैकडोनाल्ड साई हॉकी टेस्ट, ये सभी आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। एंड आपका खेल और खेल सिद्धांत, ये सभी आपके इंक्लूड रहेंगे। खेल और खेल सिद्धांत में आपका एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जितने भी ये जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो। एंड खेल प्रबंधन आपका आएगा नवा में, खेल प्रबंधन, खेल एवं खेल प्रबंधन की प्रकृति और अवधारणा, तो ये सभी टॉपिक है इसमें। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस एंड क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्राइटेरिया रहेगा, ये सबने आप जान लिया। अब इसका आपके पास इसके लिए भी कोई टाइम नहीं है, 25 अप्रैल को आपका एग्जाम है, इसने तो फिक्स कर दिया है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, तो तैयारी में लग जाइए। और एकदम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक टॉपिक दूंगी मेरे चैनल पे, इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए, सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की सभी न्यूज एंड सभी टॉपिक्स की तैयारी होती है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।